कैनेटिक्स का चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करोगे आपको डेफिनेशन दिख जाएगा। मैं बोलता हूँ आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। देखो क्यों बोलता हूँ ऐसा, वो देखो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स को जब हम तोड़ेंगे तो दो वर्ड में टूटेगा, जीन प्लस टिक्स। टिक्स का मतलब स्टडी, जीन का मतलब हमें पता ही है जेनेटिक मटेरियल है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से कहूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। जीन का जीन है तो जीन है क्या है कि जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है इसका मतलब क्या है, डीएनए है, आरएनए है। हमारे में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि डबल हेलिक्स होता है। ये सारे कुछ मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, राइट। तो डीएनए जो है, बहुत सारे डीएनए मिलते हैं तो क्रोमोसोम बनता है, हमने बताया था। और क्रोमोसोम बनता है दो क्रोमेटिड से मिलकर के, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम जो होता है उसका काम क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन करना। गैमेट का कैसे फॉर्मेशन करता है, जब इस क्रोमोसोम में मियोसिस डिवीज़न होता है। मियोसिस डिवीज़न भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर देख सकते हो। तो जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो मेल गैमेट हो या और फीमेल गैमेट हो। जब दोनों का गैमेट आपस में इंट्रोड्यूस होता है, मैटिंग करता है, तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो के बाद जो होता है, जो भी बेबी है वो या तो बॉय होगा या तो गर्ल, वो बनता है। अगर मेल है तो उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 46 होता है, जो कि टूटता है 44 प्लस एक्स वाई में। एक्स वाई क्या होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। उसी तरह अगर फीमेल होगी तो फीमेल में क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स। एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या बताता है, ये बताता है कि सेक्स क्रोमोसोम है, ये भी ये बताता है कि मेल है या फीमेल है। तो एक्स एक्स है, इट मीन्स ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, सेम है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो इस क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोजाइगस क्रोमोसोम। एक्स वाई है मेल में, तो इस केस में वो हम क्या कहते हैं, हेटरोजाइगस। मतलब ये हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, देख सकते हो एक एक्स है तो दूसरा वाई है, तो इस क्रोमोसोम को कहेंगे हेटरोजाइगस क्रोमोसोम। तो हम ये वहाँ पर एक चीज़ और सीख लिया हमने कि मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो हेटरोजाइगस क्रोमोसोम होता है, और फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो होमोजाइगस क्रोमोसोम होता है। क्यों होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, मैं बार बार कहता हूँ, ये चैप्टर पूरी तरह से लिंक्ड है पिछले लेक्चर्स में। अगर आप नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना, ज़्यादा मिनट का भी नहीं है, 15 मिनट का ही होगा वो लेक्चर्स। तो लो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जेनेटिक्स में क्या देखेंगे, इस जेनेटिक्स के अंदर हम जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में देखेंगे, क्रोमोसोम क्या होता है वो देखना है, होमोजाइगस कौन सा क्रोमोसोम होता है, हेटरोजाइगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रॉसिंग ओवर कब होता है कब नहीं होता है, ये चीज़ हम इस जेनेटिक्स वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो जैसे ही आप अपने बुक को ओपन करते हो, बुक में सबसे पहले एक साइंटिस्ट दिखेंगे आपको, जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल एक मैथमेटिशियन थे। अब बोलोगे सर ये बायोलॉजी में मैथमेटिशियन का क्या रोल था, मैथमेटिशियन का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने एक ट्रेड्स बताया था, डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड्स, उसके भी जो क्रॉसिंग ओवर होती है किस टाइप की होती है, क्या मैनर होता है, वो इन्होंने बताया था, राइट। उसके बड़ी बात यह है कि इसको फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन सॉल्व की थी जेनेटिक्स के लिए, जो कि क्रॉसिंग ओवर था। उस केस में बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए थे पर वो नहीं कर पाए थे, लेकिन जॉर्ज मेंडल जो थे वो मैथमेटिशियन होने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। जैसे ही हम जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं, हमें दो चीज़ पढ़ना है, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो मदर और फादर से बच्चे में आए हों, उस कैरेक्टर को कहेंगे हम हेरिडिटी। इसका मतलब ये क्या है कि मदर से कुछ कैरेक्टर इनहेरिट हुआ होगा बच्चे में, और कुछ कैरेक्टर फादर से बच्चे में इनहेरिट होता है, तो उस कैरेक्टर उसको कहते हैं हेरिडिटी। अब बोलो सर ऐसा कोई एग्जांपल दो तो समझ में आए। एग्जांपल है, सबसे अच्छा मैं बताता हूँ, कोई पेरेंट्स हैं जिनके जो फादर हैं उनके जो आई कलर है, मान लो वो ब्लूइश थी, और वही कलर ब्लूइश कलर जो है उनके बच्चे पे भी आती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। इसका मतलब क्या, वो कैरेक्टर का इनहेरिट बच्चे में हुआ है। वेरिएशन कहने का मतलब है कि कुछ के जो डीएनए होते हैं ना, जो डीएनए होंगे उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा। चेंजेस आने से क्या वेरिएशन होता है, सिंपल बात है, चेंजेस आएगा तो कुछ तो हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो वैसे कैरेक्टर जो तो ना उसके फादर में हो ना ही उनके मदर में हो, पर वो बच्चे में अगर आ जाता है, इनहेरिट हो जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन के अंदर हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। म्यूटेशन क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। म्यूटेशन क्या है, मैं फिर से बताता हूँ। म्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं उसमें सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंजेस आ जाता है, जिसके कारण म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब बोलो सर इसका भी कोई एग्जांपल लेके आपके पास, तो बिल्कुल है। आपने ऋतिक रोशन सर को देखा ही होगा, उनके जो हैंड है उनमें 6 फिंगर है। अगर आपसे पहले आपने नोटिस नहीं की होगी तो आज कर लेना, मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हो उनके जो हैंड उनमें क्या है, 6 फिंगर है। अब बोलो सर ऐसा कैसे हो सकता है, फिंगर तो 5 होनी चाहिए थे, उनमें 6 कैसी है। तो इस वेरिएशन के कारण ही है उनके, क्योंकि मदर में भी 5 फिंगर है और सिर्फ जो फादर हैं उनमें भी 5 फिंगर है, लेकिन उनमें तो क्या हो गया, 6 फिंगर हो गए। इट मीन्स क्या हो, वेरिएशन आया, कुछ डीएनए में
चेंजेस हुआ होगा, राइट। ये हमने कंप्लीट कर लिया बहुत इजी ट्रिक के साथ। अब पढ़ना है हमें टू मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। ये बताता है कि दो मॉडर्न एप्लीकेशन है जेनेटिक्स के, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहता है, इसका काम क्या है कि वे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो एक बैक्टीरियल स्ट्रेन को बनाते हैं, उनके आरएनए को लेते हैं, आरएनए को लेने के बाद उनमें कुछ चेंजेस करते हैं और उससे एक न्यू मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसी कंडीशन को कहते हैं जीएमओ। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इनका काम ही यही है कि नए नए जीन को बना करके नए नए ऑर्गेनिजम्स को बनाना है। दूसरा है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग ये इसका काम है कोई भी नया डिजीज अगर होता है, जैसे कि मान लो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे थे। मान लो बनाते बनाते कुछ ऐसा चीज़ उन्होंने बना दिया जो कि हमारे लिए खतरनाक हो, तो वो उन्हें पता कौन करेगा कि सही है कि गलत है। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग का ही काम है पता करना कि वो उन्होंने जो बनाया, जो वेरियंट जो भी ऑर्गेनिज्म बनाया वो सही है या नहीं है, या फिर इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल में तो कोविड 19 आया, सभी को पता है ना, तो वो भी एक डिजीज़ ही तो था, तो उसको कोई तो उनको जस्टिफाई किया होगा ना, तो वो जस्टिफाई करने का काम इस जेनेटिक काउंसलिंग का ही होता है। क्लियर है यहाँ तक आपने समझो, तो आधा चीज़ आपने समझ लिया है जेनेटिक्स का। बस ऐसा ही पेशेंस रखे रहो, हम बहुत सारे चीज़ को कवर करेंगे। नेक्स्ट है ऑटोजोम। ऑटोजोम का मतलब आपको बताता हूँ। ऑटोजोम जो होता है जस्ट लाइक अ क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के जैसा ही ये ऑटोजोम होता है। क्रोमोजोम हमारे 46 होते हैं, जो हमने बोला था पैटर्न में लिखते कैसे हैं, 44 प्लस XX में लिखते हैं या फिर 44 प्लस XY। फीमेल के केस में XX होता है और मेल के केस में XY होता है, होमोजाइगस हेटरोजाइगस क्रोमोजोम, ये हमने बता दिया। तो ये जो एक्स क्रोमोजोम है, जो XY क्रोमोजोम है, जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, उसको असल में ऑटोजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोजोम कहा जाता है। और ये यही चीज़ जो होते हैं बताती हैं कि उसके हाई ये जो हाइट कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, ये सब के लिए ऑटोजोम ही जिम्मेदार होते हैं। क्लियर है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा जस्ट लाइक अ क्रोमोजोम विच डिटरमाइन जनरल बॉडी फीचर्स। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब ही क्या है कि सेक्स को जस्टिफाई करना कि वो मेल है या फीमेल है, वो भी उसके बच्चे के जन्म से पहले। उस प्रोसेस को कहते हैं एमिनोसेंटेसिस। क्या कहते हैं, एमिनोसेंटेसिस। ये कैसा प्रोसेस है जिसमें हम बता सकते हैं, डॉक्टर ये बता सकते हैं कि मतलब उसको जो उनके फीटर मदर के जो फीटर्स है उसके अंदर बेबी जो है वो लड़का होगी या लड़की होगी, मतलब बॉय होगी या गर्ल होगी, ये डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो वो डॉक्टर क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं और मदर के फीटस में देते हैं, क्योंकि बच्चा कहाँ पर है, फीटस के अंदर होता है, सभी को पता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो उस चैप्टर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपन। तो ये जो फीटस के अंदर ही रहता है, तो इसलिए फीटस के आसपास वो इंजेक्शन देते हैं और जो फीटल फ्लूड होती है वो लेते हैं। कैप्चर करने के बाद वो क्या करेंगे, उससे डीएनए चेक करेंगे, डीएनए का पैटर्न कैसा है वो चेक करेंगे। अगर डीएनए पैटर्न चेक करते करते क्या मिलेगा, उनको क्रोमोजोम मिलेगा। तो क्रोमोजोम क्या देखेंगे, वो लास्ट का जो ऑटोजोम से वो देखेंगे कि वो XX है या XY है। अगर XX होगा तो हम बोलेंगे कि वो कैसा है, फीमेल होगी, और XY क्रोमोजोम है इट मीन्स वो क्या होगा, मेल होगा, राइट। लेकिन ये जो हमने पढ़ा ना एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस, ये बैन कर दिया गया है हमारे इंडिया में। क्यों बैन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चेक करा लेते थे और देखते थे अगर ये बेबी मतलब फीमेल है तो मार देते थे उनको पेट में, तो मतलब ये गलत काम था, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है एलील के बारे में। देखो एलील क्या है, एलील इज़ अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये जस्ट जीन के तरह ही है, जिस तरह जीन है हमने देखा ना कि जीन है जेनेटिक मटेरियल है, उस तरह एलील भी एक जेनेटिक मटेरियल ही है जो ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन वो जा सकता है। बुक में आपको एग्जांपल दिया होगा कि उन्होंने बोला है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जीव को क्या करते हैं, राउंड कर सकते हैं। उन्होंने राउंड को लिखा है RR करके, जिसको डोमिनेंट माना है, एक लिखा है कैपिटल R, एक स्मॉलर जो कि हो गया रेसेसिव, इस तरह करके उन्होंने लिया होगा, लेकिन आपको वहाँ कुछ समझ नहीं आया होगा, राइट। तो चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो ये जो एलील होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक डोमिनेंट एलील होते हैं, एक रेसेसिव एलील होते हैं। डोमिनेंट कहने का मतलब बड़ा है, रेसेसिव मतलब कि छोटा है। दोनों को देखने में सेम जैसा दिखेंगे, पर एक को हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, एक को स्मॉल से डिनोट करेंगे। जैसे कि उन्होंने बुक में राउंड लिया है, तो एक को कैपिटल लिखा होगा जिसको हमने उन्होंने राउंड माना है, और एक को स्मॉल लिखा होगा, स्मॉल आर लिखा होगा जिसको उसने रेसेसिव एलील को माना है। अब बोलोगे सर इसमें दो क्यों माना है, तो कैपिटल आर क्यों लिखा है, एक ही कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा, या फिर एक ही स्मॉल आर क्यों नहीं लिखा। देखो बच्चों, मैंने पहले ही बताया आपको कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो दो
किस क्रोमेटिड से मिल करके बने होते हैं। एक क्रोमेटिड के लिए एक एलील होता है, तो एक क्रोमोजोम के लिए सिंपल सी बात है दो एलील लगेंगे ना, तो इसलिए दो एलील लगते हैं, इसलिए उन्होंने दो आर कैपिटल आर लिखा है जिसको कहा है डोमिनेंट एलील, और दो स्मॉल आर लिखा है जिसको कहा है उन्होंने रिसेसिव एलील। दोनों को उन्होंने क्या किया होगा, क्रॉसिंग ओवर कराया है। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद उन्होंने रिजल्ट बताया है कि कितने बच्चे ये कर सकते हैं, कितने बच्चे ये नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर का जो खेल है ना, वो हम पार्ट टू में करेंगे। अभी मैं बस इतना बताता हूँ कि डोमिनेंट एलील क्या है और रिसेसिव एलील क्या है। देखो, वो राउंड टंग के लिए लिया था इसने, और उन्होंने आर कैपिटल आर कैपिटल आर लिया था। कि मान लो हम लेते हैं कि कोई आदमी जो है बहुत लंबा है, मतलब वो टॉल है, तो टॉल के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। मान लो कि कोई हम बोले कि कोई इंसान है बहुत स्मार्ट है, तो स्मार्ट के लिए आप एस एल लिखोगे। उस तरह से आप अलग अलग अपने से ही कोरिलेट कर सकते हो, राइट। तो हम मान लो लेते हैं कि कोई इंसान है जो बहुत बड़ा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे। मान लो हम ये बोलें कि कोई इंसान बहुत छोटा है, तो आप क्या लिखोगे, उसके लिए कौन सा एलील लिखोगे, स्मॉल टी लिखोगे, वो हो जाएगा रिसेसिव एलील, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको, नहीं होना चाहिए। देखो, अब लिखने का तो आप कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी लिख सकते हो, तो वो लोग सर यहाँ तो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, इस केस में हम किसको बोलेंगे कि कौन पावर दिखाएगा। तो डोमिनेंट जो है वो बड़ा है, तो हमेशा बड़ा कहीं चलेगी, राइट। जो बड़ा होगा वो ताकतवर होगा, तो यहाँ पर डोमिनेंट जो होता है उसका पल्ला भारी हो जाता है, जिसके कारण वो बोलेगा भले तुम डोमिनेंट हो, भले तुम रिसेसिव हो, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर हम छिपा देंगे, मेरे में इतनी क्षमता है। तो उस केस में हम बोलेंगे, जैसे कि कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो हम बोलेंगे कि इस केस में डोमिनेंट ही है वो, रेसेसिव नहीं होगा। रेसेसिव होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होना चाहिए, जब दोनों एलील कैसे हों, जब दोनों एलील रेसेसिव हों। अब देखो, मेरे को यहाँ एक चीज़ पूछना है आपसे। मान लो कैपिटल टी मैंने लिखा, तो अगर मैंने पूछा आपसे ये क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है सर, क्योंकि मैंने कहा ना कि एलील जस्ट लाइक ए जीन। उससे पहले मैंने ये भी कहा था कि मैंने दो एलील क्यों लिखा है, मतलब कैपिटल आर क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि एक ये जो एलील होते हैं एक क्रोमोजोम के जैसा ही है, तो क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिड से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए हमने दो एलील लिया। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि कैपिटल टी है, इसका मतलब ये क्रोमोजोम भी होंगे, क्योंकि दो एलील हैं तो क्रोमोजोम बने ना। तो ये क्रोमोजोम कैसे हैं, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? तो बोलोगे सर ये होमोजाइगस क्रोमोजोम है। क्यों होमोजाइगस है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था एक्स एक्स जो क्रोमोजोम होता था वो होमोजोगस होता है, एक्स वाई जो होता है वो हेट्रोजाइगस होता है, क्योंकि डिफरेंट ट्रेट्स हैं, राइट। यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर होगी आपको, बिल्कुल यार बिल्कुल, बहुत अच्छे से जा रहे हैं अपन, है ना। तो चलो, यहाँ तक हमने ये डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील भी सीख लिया। अब एक चीज़ और मेरे को बस बता दो, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको हम कौन सा क्रोमोजोम कहेंगे, जल्दी बताओ जल्दी। इसको अपन कहेंगे हेट्रोजाइगस क्रोमोजोम, बिल्कुल कहेंगे ना। एक एक कैसे देख सकते हो, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो दोनों टी ही, लेकिन दोनों के जीन में क्या है, चेंजेस है कि नहीं है, बिल्कुल है। दोनों के एलील में चेंज है ना, बिल्कुल चेंजेस है। तो इस कंडीशन को कहेंगे, इस क्रोमोजोम को कहेंगे हेट्रोजाइगस क्रोमोजोम। तो होमोजाइगस क्रोमोजोम समझ गए, हेट्रोजाइगस क्रोमोजोम समझ गए, कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, ये हमने सीख लिया है। दूसरा हमें सीखना है जेनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब है जीन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। तो मतलब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस दिखे, मतलब जीन में उसका कुछ चेंजेस दिखता है, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं जीनोटाइप। एग्जांपल ले लो, हाइट हो गया, आई कलर हो गया, बॉडी शेप हो गया, ये सब कैसा है ये हम देख नहीं सकते, राइट। तो ये हो गया अपना जेनोटाइपिक। अब मान लो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप क्या कहता है, फिनोटाइप कहता है कि मान लो उसके बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होता हो, जैसे कि उसके जो एयर है उसका कलर कैसा हो देख सकते हो, बता सकते हो देख करके, कोई मोटा है या पतला है आप देख सकते, देख करके बता सकते हो, है ना, कौन हेल्दी है कौन नॉन हेल्दी है, सब आप देख के बता सकते हो। तो ऐसे कैरेक्टर जो आप देख के बता सकते हो, उस कैरेक्टर को कहते हैं फिनोटाइप, ओके। जिसका एग्जांपल है हेयर हो गए, लेग हो गए, नोज हो गए, एक्सेट्रा, ये सारे फीचर्स हैं फिनोटाइप के। पेडिग्री एनालिसिस क्या कहता है, पेडिग्री एनालिसिस वाज डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इट वाज द डेवलप एज अ चार्ट दैट कैन रिप्रेजेंट अ फैमिली ट्री अलोंग द विड्थ ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि हम
पहले जनरेशन के जो फैमिली थे उनका जीन का पैटर्न कैसा था, वो पहले हेल्थ कैसा था उनका, वो सब चेक करने के लिए ही इस पेडिग्री एनालिसिस को बनाया गया था। अब पेडिग्री एनालिसिस वही देख सकता है जिसको साइंस के बारे में पता हो, उसमें भी जेनेटिक्स उसने पढ़ा हो, है कि नहीं, क्योंकि बिना जेनेटिक्स पढ़े वो नहीं देख सकता, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो डॉक्टर्स ही चेक कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स तो अपने हिसाब से रखेंगे ना, हमारे हिसाब से थोड़ी रखेंगे कोई अनपढ़ भी आकर के पढ़ ले, ऐसा रखते तो भाई कब का चोरी हो जाता है कि नहीं। तो ये सब देखने के लिए भी क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। चलिए नॉलेज का गेन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको दिखाया गया है कि अगर कहीं पर सिंबल अगर आपको स्क्वायर दिख जाता है इसका मतलब वो मेल है, कहीं पर आपको सिंबल अगर सर्कल दिख जाता है तो उसका मतलब वो फीमेल है, कहीं पर दोनों के बीच अगर लाइन मिल जाती है इसका मतलब वो मेल और फीमेल के बीच क्या हो रही होगी, मैटिंग हो रही होगी। मैटिंग होने के बाद हम सबको पता है क्या होता है, जायगोट बनता है, तो इसका मतलब है कि वो जायगोट बनेगा, मतलब उससे कोई ऑफस्प्रिंग आएगा। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि आप प्रोवाइड भी कराया है नोट्स में, तो आप वो देख लो, मुझे पता है आप देखोगे नहीं, तो चलो मैं ही दिखा देता हूँ। देखो ये डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डायग्राम देखोगे तो मैंने यहाँ प्रोजेनी दिखाई है कि यहाँ प्रोजेनी जो बनेगी वो दो मेल बनेंगे दो फीमेल बनेंगे। आप बोलोगे सर कैसा दो मेल और दो फीमेल ही कैसे बन सकती है, रीज़न क्या है? तो देखो मैंने मैटिंग करते हुए भी दिखाया है कि आपको किस तरह से क्रॉस करना आना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि कैसे क्रॉस करोगे। देखो एक्स वाई लिखा मैंने मेल के लिए, एक्स एक्स लिखा फीमेल के लिए। क्यों लिखा? कि हमें पता है ये एक्स वाई क्रोमोजोम मेल को डिनोट करता है जो कि हेटरोजाइगस क्रोमोजोम होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोजोम फीमेल को डिनोट करते हैं जो होमोजाइगस क्रोमोजोम होते हैं। तो जब मैटिंग होगी तो कैसे टूटेगा, एक एक्स एक वाई में टूटेगा मेल और फीमेल एक्स एक्स में टूट जाएगा। अब ये एक्स वाला पहले मैटिंग करेगा फीमेल के एक्स वाले क्रोमोजोम के साथ, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, इट मीन्स फीमेल बनेगी। फिर ये एक्स क्रोमोजोम फीमेल के एक्स क्रोमो दूसरे एक्स क्रोमोजोम के साथ मैटिंग करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स एक्स आएगा, इसका मतलब फिर से फीमेल बन जाएगा। ये एक्स का काम खत्म, अब हमारा वाई बचा, वाई वाला पहले मैटिंग करेगा एक्स वाले के साथ तो रिजल्ट आएगा एक्स वाई, इट मीन्स मेल आएगा। फिर वाई जो मैटिंग करेगा दूसरे वाले एक्स क्रोमोजोम के साथ तो वो आएगा एक्स वाई, इट मीन्स यहाँ भी मेल होगा। तो यहाँ से पता चल जाता है कि एक दो मेल होंगे दो फीमेल होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है सीखने का कि कैसे मैटिंग की जाती है, कैसे क्रॉस कराना है, राइट। आपके बुक में डायरेक्ट लिख दिया है राउंड वाला, तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे, उसको हम चलेंगे उसमें भी जाएंगे, पर पहले ये टॉपिक को क्लियर कर लो, धीरे धीरे वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। मैटिंग कर लिया आपने, दूसरा तरीका भी मैंने बताया है बॉक्स वाला। बॉक्स की तरफ मैंने क्या लिखा है, एक्स एक्स लिखा है, इधर लिखा है एक्स वाई, दोनों के बीच मैंने मैटिंग करा के दिखाया है, रिजल्ट आपके सामने पर है, राइट। यहाँ दूसरा मेथड भी आपको इजी ही लगा होगा, और ये दूसरा मेथड मैं बताऊँ तो आपके बुक में भी दिया गया है, तो आप ज़्यादातर फोकस इस दूसरे मेथड पे ही करना, क्योंकि ये ज़्यादातर सभी यही चेक करते हैं, है ना। तो ये शॉर्ट के लिए मैंने वो बताया है, दोनों मेथड सही है, पर आपके बुक में ज़्यादातर ये बॉक्स वाला ही दिया गया है, ओके। तो यहाँ तक थी पेडिग्री एनालिसिस की टॉपिक, ओके। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, डिजीज बताना है मेरे को। तो अब देखो डिजीज़ कैसे बताता हूँ वो देखो, बहुत ही अच्छी ट्रिक लगेगी आपको, इसी के साथ लिंक करते हुए चलते हैं। मान लो ये जो फीमेल थी या फिर मेल था, दोनों में से एक, दोनों के जो एक्स क्रोमोजोम थे उसमें प्रॉब्लम थी, वो डिजीज़ कैरियर थे, डिजीज़ कैरियर थे। तो मैंने यहाँ देखो एक्स सी लिख दिया है, एक्स के ऊपर क्या लिख दिया है, सी लिख दिया है, मेल के भी एक्स क्रोमोजोम के ऊपर सी लिख दिया है, फीमेल के भी एक्स क्रोमोजोम के ऊपर सी लिख दिया है, इसका मतलब समझो ये डिजीज़ कैरियर है ये, देखो ओके। तो देखो यहाँ पर मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोजोम है और वो भी क्या हो गया, डिजीज कैरियर हो गई, तो हम इस कंडीशन को कहेंगे ये अफेक्टेड हो गया, मेल कैसा हो गया, ये अफेक्टेड हो गया। अब डिजीज कैरियर है कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो कलर ब्लाइंड हो सकता है वो हेमोफिलिक हो, है ना, कुछ भी हो सकता है उसे, ओके। दूसरी बात फीमेल पर आ जाओ, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोजोम है, एक एक्स क्रोमोजोम में सब प्रॉब्लम है, डिजीज़ कैरियर है, तो भाई दूसरा क्रोमोजोम तो इसके पास है ना, सही, दूसरा एक्स क्रोमोजोम तो इसके पास सही है, तो दूसरे वाले से यूज़ कर लेगी। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये जो फीमेल होगी वो कैरियर कहलाएगी, डिजीज़ कैरियर, अफेक्टेड नहीं कहला सकती, ओके, अफेक्टेड नहीं कहलाएगी। अफेक्टेड यह तब कहलाएगी जब इसके दोनों एक्स क्रोमोजोम पर प्रॉब्लम आ जाए, ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब मैटिंग करते हैं, देखते हैं इसके बीच भी रिजल्ट क्या आता है। तो हमारे पास कैसे कैसे क्रोमोजोम है, एक हो गया एक्स सी, एक हो गया वाई जो मेल का है, दूसरा आएगा एक्स सी एक्स, दोनों के लिए देखो मैंने मैटिंग कराई है, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एक्स सी जो कि इसमें बता रहा है ये क्रोमोजोम किसका है, फीमेल का है, मैंने फीमेल लिखा है, दोनों को एक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये फीमेल अफेक्टेड हो जाएगी। दूसरा मैंने लिखा है एक्स सी एक्स, इसका मतलब ये भी फीमेल है पर इसके एक ही एक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम है, मतलब ये कैरियर कहलाएगी। फिर है एक्स सी वाई, इसका मतलब ये कैसा है, ये भी मेल है, ये क्या है, ये मेल है पर ये अफेक्टेड है या कैरियर, तो बोलोगे सर ये अफेक्टेड है, ये
कैरियर नहीं है क्योंकि इसके एक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम है और इसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है। लास्ट है एक्स वाई, देख सकते हो एक मेल ऐसा भी आएगा जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यही है पॉसिबिलिटी। तो देखा जाएगा, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा दिया जाए कि बताओ कि ये जो आपको इन क्रॉस किया उससे आप मेरे को बताओ कितने परसेंट फीमेल या फिर फीमेल में जो भी होगी तो उसे डिजीज़ नहीं होगी, तो आप बोल सकते हो कि सर 25% ऐसे मेल होंगे जिसको बीमारी नहीं होगी। एम आई राइट? चलो यहाँ तक आपने ये जो टॉपिक पढ़ा ना, ये जो डिजीज़ वाला, उसको कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये जो डिजीज़ हमने देखा एक्स वाला उसी को कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के कारण कौन से डिजीज़ होते हैं वो भी बताता हूँ। तो देखो, मैंने अभी यहाँ एक्स वाले क्रोमोजोम में प्रॉब्लम थी वो मैंने बताया, तो इसके कारण सबसे पहला डिजीज़ होता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आती है, तो कलर को पहचानने में प्रॉब्लम आएगी। कौन कौन से कलर को? तो ग्रीन कलर और रेड कलर को लेकर के कन्फ्यूज़न होने लगती है ना कि ये कलर है कौन सा। और ये देखा जाए तो 8% मेल में पाया जाता है, 0.4% फीमेल में। अब बोलोगे सर फीमेल में इतना कम क्यों? क्योंकि यार इसके पास एक ही एक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम हो रही थी, हमने रिजल्ट भी तो निकाला ना। देख सकते हो फीमेल कितनी अफेक्टेड निकली, सिर्फ एक फीमेल ही जो थी वो अफेक्टेड हो सकती है, बाकी सारी तो फीमेल कैरियर आ रही थी, राइट। और मेल में देखो एक ही मेल सेफ निकल रहा था, बाकी जितने भी मेल हो रहे थे उनमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो यही है प्रॉब्लम हमारा, है ना। दूसरा है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो होता है ये भी सेक्स लिंक रिसेसिव के कारण होता है। ये इसका मतलब क्या है? देखो, हेमो का मतलब होता है ब्लड, फीलिया का मतलब लव, मतलब कि ऐसा ही डिजीज़ है जो ब्लड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अब हमें पता है हम किसी से अगर प्यार करते हैं ना तो उसे खोने से डरते हैं, राइट। ये भी इसी तरह है, ये ब्लड से इतना प्यार करता है कि उसे ब्लड, ये जो ब्लीडिंग होती लगती है ना, तो वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है सर, ये नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है इसके कारण, डिजीज़ के कारण। ये ब्लड अगर होना शुरू हो गया तो रुकेगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हेमोफीलिक में प्रोटीन अफेक्टेड हो जाता है, तो प्रोटीन जब अफेक्टेड हो जाएगी ना तो जो पार्ट ऑफ ब्लड क्लोटिंग होती है उससे बहुत ब्लड वेस्ट हो जाता है, राइट। चलो यहाँ तक आपने क्लियर किया, मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने यहाँ एक्स सी इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने बोला था डिजीज़ कैरियर है। अगर मान लो यहाँ पर यहाँ लिखा था कि मान लो उसको कलर ब्लाइंडनेस है, तो मैं भी यहाँ सी लिखता हूँ। मान लो लिखा होता वो हेमोफीलिक है तो मैं लिख देता वहाँ एक्स सी के जगह एक्स एच लिख देता, राइट। तो ये आपको खुद, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ओके। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं हेमोफीलिक के साथ। देखो, मैंने हेमो मान लिया है कि ये जो एक्स क्रोमोजोम है उसे क्या हो गया है, हेमोफीलिया हो गया है, मेल को हेमोफीलिया हो गया है, एक्स क्रोमोजोम को प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने वहाँ लिखा है एक्स एच, फिर एक्स लिख दिया, और फीमेल जो है वो सेफ है, फीमेल को कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने क्या लिख दिया है यहाँ मेल के लिए, लिखा है एक्स वाई एच, क्या लिख दिया, एक्स वाई और एक्स के ऊपर एच लिख दिया। फीमेल के लिए क्या लिखा है, सिर्फ एक्स एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, एक्स एक्स लिख दिया। तो जब मैटिंग होगी तो अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स एच और वाई के बीच और एक्स एक्स के बीच जब मैटिंग होगी तो क्या रिजल्ट आएगा, तो पहला आप रिजल्ट लाओगे क्या, एक्स एक्स एच। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, एक्स एच एक्स। तो तीसरा रिजल्ट क्या आएगा, एक्स वाई। चौथा रिजल्ट आएगा एक्स वाई। तो यहाँ आप देख सकते हो दो एक्स वाई आ रहे हैं, मतलब कि दो मेल जो होंगे वो उसको कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। दो मेल जो हो रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ एक्स एच एक्स का मतलब क्या है, एक्स एक्स है मतलब ये फीमेल है, लेकिन ये कैसी फीमेल होगी, कैरियर फीमेल होगी। दूसरा भी एक्स एक्स एच जो आ रहा है इसका मतलब ये भी कैसी है, फीमेल ही है, पर कैसी फीमेल होगी, कैरियर फीमेल होगी। तो देख सकते हो अगर सिर्फ मेल को प्रॉब्लम होता है, मेल को अगर हेमोफीलिया होता है, तो ज़रूरी नहीं कि फीमेल को भी हेमोफीलिया हो, वो डिजीज़ कैरियर ही रह सकती है, मतलब उसे ज़रूरी नहीं कि, फिक्स नहीं है कि प्रॉब्लम होएगा ही, ओके। तो इस तरह से आपको क्रॉस करते चलना है, ओके। मेरे हिसाब से तो अब आपको यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए मेंडल अंकल के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट है, जानना तो पड़ेगा ही। देखो यार, मैं अंकल बोल रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में ये नहीं कि अंकल लिख के आ जाओ, चलो मैं ही साइंटिस्ट बोलता हूँ, रिस्पेक्ट देना चाहिए। देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स हमें पता है मेंडल को कहते हैं, राइट। उसके अलावा भी दो और साइंटिस्ट थे, एक थे टी एच मॉर्गन, दूसरे डब्ल्यू बैटसन। टी एच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा गया था और डब्ल्यू बैटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। तो वो आपके बुक में नहीं था, फिर भी मैंने सोचा बता दो क्योंकि जेनेटिक्स से रिलेटेड है। दूसरी बात कि रीडस के मेंडल जो वर्क जो उन्होंने किया था उसकी रीडिस्कवरी भी की थी। किसने की थी? तो डी वेरिज और कॉर्न स्ट्रेसर मार्क ने की थी,
तो हम बात करते हैं अभी मेंडल के बारे में सिर्फ और सिर्फ। तो मेंडल जो थे उन्हें सक्सेस मिली क्यों, मेंडल साइंटिस्ट जो थे उन्हें नाम आखिर जेनेटिक्स में रखा क्यों गया, आखिर उन्हें सक्सेस मिली होगी। तो सक्सेस मिली क्यों, इसके पीछे कारण क्या है वो बताता हूँ। तो यार इसे उनके पीछे कारण ये था कि वो एक टाइम पर ना एक से दो कैरेक्टर की स्टडी किया करते थे, वो एक बार में सिर्फ एक से दो ही कैरेक्टर की स्टडी किया करते थे। दूसरी बात, उसमें सब्स्टिशियल रिकॉर्ड था, इसका मतलब वो पहले से क्या थे, मैथमेटिशियन थे, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। तीसरी बात, उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। पी प्लांट को सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि पी प्लांट जो होता है वह सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, दूसरी बात मल्टीपल ट्रेड्स भी इनमें दिखता है, और तीसरी बात इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मतलब इसको हम बहुत जल्दी उगा सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सही माना। अब देखो मैंने यहाँ लाइन पढ़ी मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल ट्रेड्स हमें इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पता था कि इसके अंदर टोटल 14 ट्रेड्स होते हैं, 7 डोमिनेंट ट्रेड और 7 रिसेसिव ट्रेड्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए। कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, पहला लिया फ्लावर कलर, दूसरा लिया फ्लावर पोजिशन, तीसरा लिया सीड कलर, चौथा लिया सीड का शेप, पांचवा लिया पोड का शेप, छठा लिया पोड कलर और सातवां लिया स्टीम की लेंथ। आपको मेन फोकस बताऊं तो ये स्टीम की लेंथ पे करना है, जो कि होती है टॉल और ड्वार्फ। टॉल कब होगी, तो जब डोमिनेंट रेट होगा, ड्वार्फ कब होगा, जब रिसेसिव रेट होगा। तो मेन फोकस आपको इसी पे करना है, ओके, और किसी पे नहीं, आपको मेन फोकस इसी पे करना है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इसी से आते हैं। पर मेरे को बताना चाह रहे हैं तो मैं बताता हूँ एक एक करके। देखो फ्लावर कलर जो होती है, फ्लावर कलर में क्या आएगा, डोमिनेंट रेट है तो पर्पल और रिसेसिव रेट है तो वाइट। और तो और फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो फ्लावर की पोजीशन एक्सियल होती है डोमिनेंट के केस पे, टर्मिनल होती है रिसेसिव के केस पे। सीड की कलर येलो और ग्रीन, उसी तरह सीड की शेप राउंड और ब्रिंकल्ड होती है, पोड की शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड होती है, पोड की कलर ग्रीन और येलो होती है। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, पर अगर आप याद नहीं करते हो तो कम से कम दो मैं चीज़ बताता हूँ याद कर लेना। पहला है स्टीम की लेंथ, डोमिनेंट होगी तो टॉल, रेसेसिव होगी तो ड्वार्फ, ये याद रख लेना। दूसरी बात सीड की कलर और सीड का शेप, तो कलर याद करोगे तो शेप ऑटोमेटिकली याद होना चाहिए। देखो सीड कलर, सीड कलर जो होता है येलो है और ग्रीन है। हम पता है सीड कैसा होता है यार, ये दो ही शेप तो होते हैं, या तो गोल होगा या तो व्रिंकल्ड होगा, या तो गोल होता है या तो व्रिंकल्ड होता है। तो शेप तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, कलर बस याद रख लो कि येलो कब होगी डोमिनेंट पे, ग्रीन कब होता है तो रेसेसिव पे। और हाँ, आपको कन्फ्यूज़न ये आएगा कि सीड कलर और पोड कलर जस्ट अपोजिट होता है, ओके। देख लो पोड कलर क्या है, ग्रीन होता है डोमिनेंट पे और येलो कब होगा रेसेसिव पे। तो ये आपको कन्फ्यूज़न दिलाता रहता है, राइट। पर हम लोग जब बनाएंगे ना इसमें क्वेश्चन, तो आपको फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। हम क्रॉस करेंगे किसके किसके बीच, टॉल और ड्वार्फ के बीच, उस क्रॉस को कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया उन्होंने, उन्होंने क्या किया, स्टीम की लेंथ ली। क्या ली, स्टीम की लेंथ ले ली, बहुत बढ़िया, स्टीम की लेंथ ली। तो हमें पता है क्या कौन से होगी, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। टॉल होगा तो इसका मतलब कैपिटल टी, ड्वार्फ होगा तो स्मॉल टी। अब दो ही हमें लेना है, एक नहीं ले सकते हैं। दो एलील क्यों लेते हैं, क्योंकि हम सबको पता है एक एलील मतलब कि एक क्रोमेटिड, और क्रोमोसोम बनता है किससे, दो क्रोमेटिड के साथ। तो दो एलील तो लेने पड़ेंगे सर। तो कैपिटल टी रहेगा इसका मतलब वो डोमिनेंट, स्मॉल टी रहेगा तो इसका मतलब वो रिसेसिव, ओके। अब आपको मैंने फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो तो मैंने पहले बताया हुआ है, फिर से अगर भूल गए हो तो मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि इसमें इसका रोल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो देखो फेनोटाइपिक कहने का मतलब होता है, फेनोटाइप कहने का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, जो हम बाहर से देख के बता सकते हैं, सर मोटा है पतला है ना, ये सब कुछ। और हम बाहर एक्सटर्नल नहीं बोलते हैं बायोलॉजी में, तो क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि बाहर, ओके। और एनाटॉमी मतलब अंदर, ये मैंने बहुत पहले बताया जब मैंने बताया था बायोलॉजी क्या है, ये जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उस पर मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है। अगर नहीं देखे हो तो एक बार 10 मिनट का ही लेक्चर है, अगर अच्छे से अच्छा लगेगा देख लेना। तो चलो फिर फोकस करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, जो कि दिया है किसने, मेंडल्स ने। देखो उन्होंने ऐसे क्या किया, पी प्लांट को लिया, पी प्लांट का भी क्या लिया उसने, स्टीम की हाइट को लिया। हाइट दो होते हैं, टॉल और ड्वार्फ होते हैं। पहले लिखा पेरेंटल जनरेशन, जो कि टॉल और ड्वार्फ था, कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब इससे ये क्या करेगा,
ये दोनों है क्या, एलील है, एलील है, इटने से क्या है, दोनों एलील मिलते हैं तो क्रोमोजोम बनते हैं। और हमें पता है क्रोमोजोम का क्या करता है, क्रोमोजोम में जब म्यूसिस डिवीजन होता है तो वो गैमेट्स में टूटते हैं कि नहीं टूटते, बिल्कुल। तो ये एलील भी आगे जाके गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो कैपिटल टी था, तो दोनों में से एक टी आ जो है वो आगे चला जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है ना, कैपिटल टी ही तो है, या तो ये वाला टी आ गया है या तो ये दूसरा वाला टी आ गया है, दोनों में से कोई एक ही तो आगे आएगा, गैमेट बनाएगा, बिल्कुल सर। तो ये कैपिटल टी इधर से आगे आ गया, ड्वार्फ से भी स्मॉल टी एक आगे आ गया, दोनों ने मैटिंग की, मैटिंग करने के बाद रिजल्ट बना दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका मतलब क्या आप बोलोगे सर, ये तो अब ना पूरा तरह से डोमिनेंट रहा, पूरा तरह से नहीं रिसेसिव रहा, तो इसको क्या कहोगे, इस कंडीशन को हम तब भी डोमिनेंट ही मानेंगे। डोमिनेंट क्यों मानेंगे, देखो डोमिनेंट इसलिए मानेंगे क्योंकि एक उन्होंने लॉ बनाया, उस लॉ का नाम रखा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई डोमिनेंट एलील किसी रिसेसिव एलील के साथ अगर रिएक्ट करता है, साथ में रहता है, तो उसमें भी हम बोलेंगे कि जो डोमिनेंट एलील का पल्ला जो होता है वो भारी होगा। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो कैपिटल टी है उसी का वैल्यू रहेगा, स्मॉल टी का वैल्यू खत्म हो जाएगा। इट मीन्स अभी भी ये किस कंडीशन पे रहेगा, अभी भी ये डोमिनेंट वाले स्टेज पे रहेगा। बोला ठीक है सर, इस स्टेज को क्या कह देंगे, इस जनरेशन को क्या क्या कह देंगे, F1 जनरेशन कह देंगे। अब F1 जनरेशन के बाद क्या आता है, सेल्फिंग कराना पड़ता है हमें। सेल्फिंग का मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके साथ हमें फिर से क्रॉस करना होगा। रिजल्ट हमारा है कैपिटल टी या स्मॉल टी, फिर से हमें उसके कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा देना है। रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने है, वीवी गैमेट बनाएगा। अब यहाँ गैमेट कैसे बनेगा वो देखो, वहाँ तो पर तो दोनों कैपिटल टी थे, दोनों स्मॉल टी थे, तो दोनों में से कोई भी एक गैमेट बनाने के लिए आ गया रहा था, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलील हो गए हैं, कैपिटल टी हो गया है क्या, स्मॉल टी हो गया, दोनों चाहेगा कि भैया गैमेट मैं भी बनाऊँ। भले रिसेसिव जो था वो अपना पल्ला भारी नहीं कर पाया, पर ये तो बोलेगा ना कि भाई मेरे को भी गैमेट बनाना है, ऐसा क्या जरूरी है कि तुम ही गैमेट बनाओगे, बोलेगा ऑफ कोर्स बोलेगा यार, उसका हक बनता है। तो कैपिटल टी भी एक अलग गैमेट बना सकता है, स्मॉल टी भी अपना अलग गैमेट बना सकता है, सेम जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक एक्स क्रोमोजोम था, एक वाई क्रोमोजोम था, एक एक्स था एक एक्स था, दोनों साथ हमने देखा, दोनों अलग अलग टूटा था, दोनों के साथ मैटिंग हुई, अलग अलग चीज़ बनी थी, याद ही होगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। तो यहाँ पर भी देखो, यह कैपिटल टी स्मॉल टी था, दोनों अलग अलग टूटेगा, तो यहाँ पर एक कैपिटल टी दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ मैटिंग करेगा तो रिजल्ट आ जाएगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी के साथ करेगा तो कैपिटल टी, स्मॉल टी के साथ कर रहा है तो स्मॉल टी, स्मॉल टी वाला फिर कैपिटल टी के साथ कर रहा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये चारों जो है आपको यहाँ पर दिख जाएंगे गैमेट, यही चारों राइट, ये चारों आपको दिख गए होंगे, चारों जन, तो इस जनरेशन को कहेंगे F2 जनरेशन। अब बोलोगे सर यहाँ तो हमें F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही चीज़ मिल रहा था, F2 जनरेशन में हमें चार चीज़ मिल रहे हैं, है कि नहीं, चार पॉसिबिलिटी मिल रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर हमें कंबाइन करेंगे फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो को। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या कहता है, फिनोटाइपिक मतलब क्या देखना है आपको, एक्सटर्नल फीचर देखो और रेशियो बनाओ। देखो यहाँ कैपिटल टी है मतलब टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी टॉल है, क्यों, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जी हाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी टॉल कहलाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। स्मॉल टी है ये हो जाएगा ड्वार्फ। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई भी डाउट नहीं है सर, यहाँ तो क्रिस्टल क्लियर हो रहा है टॉपिक, अब क्या डाउट रहेगा इसमें, बिल्कुल रहना भी नहीं चाहिए। देखो टॉल है तो मैंने क्या कहा था, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है कि नहीं है टॉल, क्योंकि बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि हाँ ये भाई स्टीम की हाइट बड़ी हो रही है, ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, 3:1, क्या बनेगा, 3:1 बन जाएगा। तो देखो कैसा लगा ये ट्रिक, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गई, 3:1 हो गई। अब बताते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो में क्या, देखो जीन का पैटर्न देखो, देखो यहाँ पर एलील कितने हैं, कैपिटल टी कितने हैं, एक हैं, स्मॉल टी कितने हैं, ये भी एक हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, एक कैपिटल टी वाले की, एक स्मॉल टी वाले की, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाले की। तो रिजल्ट आएगा हमारा 1:2:1, दैट इज ऑल्सो नोन एज जेनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ तक हमने फिनोटाइपिक रेशियो भी कवर कर लिया, जीनोटाइपिक रेशियो कवर कर लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो मेरे को फिर से पूछ सकते हो, मैं फिर से बताऊँगा,
कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हमने नहीं किया था, क्रॉस लिया, इसमें क्या किया पेरेंटल जनरेशन में दो रखा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी को दोनों ने गैमेट बनाया, गैमेट बनाने के बाद मैटिंग की, मैटिंग करने के बाद सेल्फिंग किया, सेल्फिंग करने के बाद एफ टू जनरेशन आया, हमने उससे कोरिलेट कर दिया फिनोटाइपिक रेशियो को और जीनोटाइपिक रेशियो को। तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक था कंप्लीट और क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करने वाले हैं, देखो डाई का मतलब क्या होता है दो, हाइब्रिड मतलब डिफरेंट, इसका मतलब क्या है दो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के साथ हम क्रॉस कराएंगे। तो देख सकते हो मेंडल ने यहाँ कौन कौन से कैरेक्टर लिए हैं, यहाँ पर मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे सीड कलर और सीड शेप। हमें याद होगा कि सीड कलर जो होता है वो डोमिनेंट में येलो होता है, रिसेसिव में ग्रीन होता है। सीड का शेप भी उसी तरह होता है, सीड का शेप जो होता है वो डोमिनेंट है तो राउंड होगा और अगर रिसेसिव है तो व्रिंकल्ड होगा। आपको यहाँ फिगर में भी देख के समझ जाते होगे क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जो कि मैंने दिखाया है आपको। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, क्रॉस होगी, क्रॉस करना मैंने पहले ही सिखा दिया है तो मैं बार बार वो एक ही चीज़ नहीं करूँगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जा कर के देख सकते हो, मैंने पहले भी ये चीज़ बताया है और अगर आप लेक्चर में बने हो तो आपको पता होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर वाई वाई है, आर आर है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, दूसरा है स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। देख सकते हो कैपिटल वाई क्या बता रहा है कि ये कैसा है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तो सीट का कलर क्या होगा, येलो होगा। कैपिटल आर मतलब क्या है, ये बता रहा है कि ये जो सीट का शेप है वो कैसा है, ये राउंड है, राइट। फिर स्मॉल वाई है, ये बता रहा है ये कैसा है, ये बता रहा है कि ग्रीन है। दूसरी बात ये स्मॉल आर लिखा है मतलब ये व्रिंकल्ड है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था पेरेंटल जनरेशन, यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ में से देख सकते हो आप क्या होगा, इसमें से एक गैमेट आगे आएगा, तो यहाँ एक नहीं आ सकता, दो आएगा क्योंकि इसके पास कितने क्रोमोजोम हैं, दो क्रोमोजोम हैं, दो क्रोमोजोम हैं तो भाई दो गैमेट आगे आएंगे। देख सकते हो गैमेट कैसे निकालते हैं, इसका मैं ट्रिक भी बताऊँगा पर पहले इस पर फोकस करो। तो यहाँ कैपिटल वाई में से एक वाई बाहर आएगा, इधर स्मॉल वाई में से एक वाई बाहर आएगा, दोनों मैटिंग करके कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना देंगे। दूसरी बात है यहाँ कैपिटल आर कैपिटल में आर में से भी एक आर आगे आएगा गैमेट बनाने के लिए, यहाँ स्मॉल आर में से भी एक आर आगे आएगा गैमेट बनाने के लिए। तो कंप्लीट हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया F1 जनरेशन, क्या हो गया ये F1 जनरेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं हुआ। अब क्या करानी पड़ती है हमें सर, सेल्फिंग करानी पड़ती है, सेल्फिंग कराने पड़ते हैं ना। तो बिल्कुल, जब आप सेल्फिंग करा लोगे, सेल्फिंग आप खुद से करो और नहीं कर पाते हो तो मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आप एक बार उसको चेक कर लो, पर मैं तो बोलूँगा पहले प्रैक्टिस को खुद से करो क्योंकि मैंने पहले खुद प्रैक्टिस करा लिया, अब आपकी प्रैक्टिस करने की बारी है। तो आप जब सेल्फिंग करोगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, वाई आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस तरह का आपको चार प्रोजेनी देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से क्या करना है, क्रॉस करना है, तो रिजल्ट आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने राउंड होंगे, कितने व्रिंकल्ड होंगे, कितने येल्लो होंगे, कितने ग्रीन होंगे, आपको रिजल्ट यहाँ पर दिख जाएगा। चार क्या होंगे, चार जो होंगे वो ग्रीन होंगे, बाकी सारे येल्लो होंगे, मतलब देख सकते हो डोमिनेंट कितने ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो भी निकालना पड़ेगा। फिनोटाइपिक रेशियो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक्सटर्नल कैरेक्टर देखना है, एक्सटर्नल कैरेक्टर क्या क्या देखोगे कि वो राउंड है कि नहीं है, है कि नहीं राउंड है कि नहीं, व्रिंकल्ड है कि नहीं, तो आपको बाहर से दिख जाएगा। तो देख सकते हो आपको फिगर दिख रहा होगा कि 9 जो है वो कैसे हैं, कम्प्लीटली येल्लो होंगे, 3 जो होंगे वो कम्प्लीटली ग्रीन होंगे, फिर 3 जो है वो दिख सकते हो कि ये कैसे हैं, येल्लो हैं एंड व्रिंकल्ड होंगे, और एक ऐसा होगा जो ग्रीन और व्रिंकल्ड होगा। ये पॉसिबिलिटी है फोनोटाइपिक रेशियो की। जीनोटाइपिक रेशियो आपको खुद से निकालना है, इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, और फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो आपको उतना याद रखना भी तो है। बोलोगे सर इसका कोई ट्रिक बता दो जिससे मैं याद कर सकूं, बहुत ईजी ट्रिक है, मैं बताता हूं। आपको बस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो याद कर लेना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1, तो 3:1 इंटू 3:1 करोगे तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का। यकीन नहीं है करके देख लो, 3:1 इंटू 3:1 जब करोगे तो रिजल्ट आएगा 9:3:3:1।
आप बोलोगे सर बहुत अच्छा ट्रिक है, जीनोटाइपिक रेशियो में भी काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? 1:2:1। फिर से उसी को साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1:2:1। इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा जीनोटाइपिक रेशियो कहलाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस का। तो चलो यह उसको मैं आपको खुद पे छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ ये चैप्टर जो है इसका हम पूरा एंड तक पहुँच चुके हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है ना तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना, पर प्रैक्टिस इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यार, बिना प्रैक्टिस के आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। तो मैंने जो छोड़ा था वो मैं बताता हूँ, मैंने 3 लॉ में से 1 लॉ बता दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर कैपिटल है स्मॉल है लिखता हूँ, और एक है कैपिटल एक कैपिटल है, आप चाहो तो एक्स एक्स और एक्स वाई को लेकर के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्स वाई और एक्स एक्स को लेकर देखते हैं। एक्स एक्स है इट मीन से क्या है, ये फीमेल का क्रोमोजोम है, ये होमोजाइगस क्रोमोजोम होता है, ये पता है। तो अगर मेरा कहना ये है कि अगर दोनों एक्स क्रोमोजोम में से कोई भी अगर एक्स क्रोमोजोम अगर आगे आता है गैमेट बनाने के लिए, दोनों तो एक्स ही क्रोमोजोम है, तो कोई भी अगर आगे आ जाए गैमेट बनाने के लिए तो उससे कोई चेंजेस दिखेगा क्या हमें? नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके पास ये भी एक्स क्रोमोजोम है, वो भी एक्स क्रोमोजोम है। ये वाला अगर इस मेल के वाई क्रोमोजोम के साथ रेक करेगा तो एक्स वाई बनाएगा, और एक्स के साथ करेगा तो एक्स एक्स बनाएगा, और वो क्रोमोजोम रहता तो वो भी वही बनाएगा। तो मतलब कोई चेंजेस दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिखेगा। तो उसी को लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका कहने का मतलब है कि अगर एक दोनों सेम गैमेट, दोनों सेम क्रोमोजोम है, तो अगर उसमें से चाहे तो एक ही गैमेट आप बना सकते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कहना क्या था कि मान लो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं, कलर के लिए अलग जीन होता है, हाइट के लिए अलग जीन होता है, तो ये सारे जीन तो हमारे बॉडी के अंदर ही हैं, एक ही जगह हैं। इस तरह देखा जाए तो क्रोमोजोम के इर्द गिर्द ही तो होंगे, आखिर जीन जो हैं ये क्रोमोजोम के आसपास ही तो होंगे। तो क्या ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि मान लो कोई आई कलर का जीन है और कोई हाइट का जीन है, तो ये दोनों आपस में कभी अटैच नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट है, कभी इन लोग अटैच नहीं होंगे। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, जब आप हायर क्लास पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, ओके। पर आपको इस बुक में यहाँ पर नहीं दिया गया है, बस ये बताया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि एक क्रोमोजोम के अंदर एक से अधिक जीन भी रह सकते हैं वो इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट होता है इस चैप्टर में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि आपके दोस्त लोग भी तो होंगे जो प्रॉब्लम में होंगे ना, तो उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू।